अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है और त्योहारों की शुरुआत होने वाली है, तो और इस्लामिक न्यू ईयर भी शुरू हो गया है, मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है, राखी आने वाली है, 15 अगस्त आ रहा है। तो मैं नारियल की बर्फ़ी लेके आई हूँ। मैंने नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए 3 बाउल नारियल का बुरादा लिया है, और आप जो भी बाउल या कप लें उसी से आप मेजरमेंट रखिएगा। और मैंने 4 चम्मच घी डाल के इसको देखिए कलर चेंज होने तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लिया है, इसको सेक लिया है। और ये है मावा जो कि मेरा फ्रेश है, तो मैंने इसको कद्दूकस नहीं किया है। अगर आपका फ्रिज का हो तो फ्रिज बनाने से पहले आधे घंटे पहले निकाल के रख दीजिए और उसको कद्दूकस कर लीजिए। और ये मावा मैंने लिया है 400 ग्राम, और ये दूध लिया है मैंने 0.5 लीटर के करीब। और अपन बिना चाशनी के बना रहे हैं, कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं इसके अंदर अपन, क्योंकि खोपरा बाग बनाने में वैसे भी चाशनी, एक तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ शक्कर को मेल्ट होने जितना पकाना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट ही दूध ले रही हूँ, और दूध में मैं 2 बाउल चीनी यानी कि शुगर मिला रही हूँ। वही बाउल है जिससे मैंने खोपरे के बुरादे का नाप लिया था ना, वही बाउल से मैं 2 बाउल चीनी डाल रही हूँ, और इसको चलाते रहेंगे ताकि अपनी शक्कर मेल्ट हो जाए। और शक्कर मेल्ट हो जाए बस इतनी देर ही अपन को इसको चलाना है, क्योंकि दूध मेरा पहले से उबला हुआ था, पका हुआ था अच्छे से। दूध को इतनी देर पकाना है कि शक्कर उसमें अच्छे से घुल जाए। और ये देखिए मेरी शक्कर इसमें मेल्ट हो गई है पूरी तरह, दूध भी इसमें आधा रह गया है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर मिला दूँगी। इलायची पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। और ये देखिए, अब मैं जो मावा लिया था ना अपन ने खोया, उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर दूंगी और लगातार चलाती रहूंगी। इसको चलाते रहना है, ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये इसको मतलब जब भी आप पानी में चाशनी बना रहे हो तो चाशनी को एक तार की मत बनाना, क्योंकि एक तार की बनाओगे ना तो वो खोपरा बाग सॉफ्ट नहीं रहेगा, जैसे हलवाइयों का आता है ना सॉफ्ट बिल्कुल। तो सिर्फ उसको इतनी ही देर पकाना रहता है कि अपनी शक्कर घुल जाए। ये देखिए, अब मेरा मावा भी इसमें पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, चलाते रहिए, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बस अब मैं जो अपन ने खोपरे का बुरादा लिया था ना, वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊंगी। पूरा एक साथ नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करूंगी। अब जो बचा हुआ था ना उसको भी अपन इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और खोपरे का भूरा डालने के बाद इसको फटाफट मिक्स कर लो, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए चम्मच से। और आपको जिस भी मोल्ड में जमाना है या थाली वगैरह में, तो आप उस थाली को पहले से ही ऑयल या घी लगा के उसको तैयार कर लो, जैसे कि मैंने लगा रखा था। देखिए, मैं इस थाली में बना रही हूँ, मैंने पहले से ही इसमें घी लगा के रखा था। अब मैं फटाफट इसको इसमें सेट कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से इसको फटाफट सेट कर दीजिए, और फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। और आप चाहो तो 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर लीजिए, और गार्निश के लिए इसको आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स, आप चाहो तो पिस्ता, बादाम, जो भी मतलब मगज के बीज आते हैं, या गुलाब कतरी, या चांदी के जो वर्क आते हैं, जो भी आपको पसंद है ना, वे उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ बादाम से करी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और अब मैं इसको ऐसे सेट करके इसको अभी कट नहीं करेंगे अपन, इसको जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना तभी इसको अपन कट करेंगे।
गरम गरम में अपन को इसको जमाना पड़ता है। ये देखिए, ये मेरा 2 से 3 घंटे हो गए हैं तो मैं इसको कट कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है और सॉफ्ट भी बहुत बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा। ये देखिए कितना अच्छा पीस निकल के आया है, बिल्कुल, और बिल्कुल सॉफ्ट है ये, मुंह में रखते ही घुलने वाला।